हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा आपके पास जो कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ा था और एटम्स की कैलकुलेशंस हमने की थी पर यूनिट सेल, किसी एक यूनिट सेल में आपके पास कितने एटम्स आपके पास आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। और मैंने आपको बताया था वहां पे कि अगर आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें एक सिंगल एटम की कंट्रीब्यूशन आएगी, अगर आपका स्पेस सेंटर्ड है उसमें तो टोटल आपके पास कंट्रीब्यूशन एटम्स की 4 आएगी, अगर आपके पास बॉडी सेंटर्ड है उसमें कंट्रीब्यूशन 1 आएगी, और अगर आपके पास एंड सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड में कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है। अब जो आपके पास एज सेंटर्ड है या एंड सेंटर्ड है उसमें कितनी आएगी आपके पास, देयर इज 2, ठीक है, वहां भी कितनी आने वाली थी 2। आज का लेक्चर आपका क्वाइट इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और इस लेक्चर में आपके पास बहुत सारी चीजें हमने ऐसी देखेंगे जिसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बच्चों के लिए मुश्किल रहता है, और बहुत सारी चीजें इसके लिए जो है मतलब ज्यादा मिलता भी नहीं है इस टॉपिक के बारे में। आपको अगर आप इसको कहीं सर्च करेंगे तो इसके बारे में ज्यादा आपको मटेरियल मिलेगा भी नहीं। तो इस लेक्चर में आपने ध्यान रखना है कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, और मेरी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशंस होंगी वो 3D रिप्रेजेंटेशंस होंगी, आपके पास 2D रिप्रेजेंटेशंस होंगी, और रिप्रेजेंटेशन से मैं बिल्कुल क्लियरली आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। चलो देखते हैं क्या है। आज हम करने वाले हैं क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। तो बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी में अगर बात करूं, ग्रेजुएशन में क्रिस्टलोग्राफी है आपके पास, ठीक है, तो बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बेसिकली साइंस की ब्रांच है, और ऐसा नहीं समझना कि स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, नहीं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि आपके पास किससे डील करेगी, आपके पास स्ट्रक्चर और एंड प्रॉपर्टीज से डील करेगी, किसकी, जो क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर्स है या प्रॉपर्टीज है या इवन ज्योमेट्री से डील करती है, किसके, क्रिस्टल के, ठीक है, जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड ज्योमेट्री से डील करती है, ठीक है, किसकी, क्रिस्टल लैटिस की, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं आपके पास क्रिस्टलोग्राफी। मतलब आपके पास क्रिस्टलोग्राफी में बड़ी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, आप समझने वाले हैं क्रिस्टल की क्या है आपके पास, चाहे वो प्रॉपर्टी समझनी है, चाहे उसकी वो स्ट्रक्चर समझनी है, चाहे हमने उसकी ज्योमेट्री समझनी है, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक क्रिस्टलोग्राफी है, ये जो एक टर्म बन रही है इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, आइसोलेट कर देता हूँ। आपके पास जो ज्योमेट्रिक क्रिस्टलोग्राफी है, ठीक है, ये आपके पास 3 लॉज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, 3 इसके जो लॉज है वो है, ठीक है, कौन कौन से, जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। क्या होगा, मैं अभी लॉज नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ बता रहा हूँ कि 3 लॉज हैं, ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला मैंने आपके पास बता दिया कौन सा, जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स है उसको आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ। सेकेंड आपके पास लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस और क्या, इंटरसेप्ट्स, जो दूसरा लॉ है आपके पास वो कौन सा है, इट इज लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस और क्या, इंटरसेप्ट्स। जो थर्ड लॉ है आपके पास दैट इज लॉ ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और सिमेट्री जो है एक्चुअली बेसिकली बहुत सारी चीजें समझने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ 3 लॉज को याद रख समझ लेंगे कि 3 लॉ है हमारे पास, ठीक है, जिसपे आपके पास क्रिस्टलोग्राफी जो है, ज्योमेट्रिक क्रिस्टलोग्राफी जो है डिपेंड करती है, ठीक है। अब आपके पास क्या करते हैं, कुछ एक टर्म समझ लेते हैं जो आपके पास हम क्रिस्टलोग्राफी में यूज करते हैं। बेसिकली यही टर्म्स तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है बच्चों को, जो समझ नहीं आती है बच्चों को, ठीक है। तो देखिए कुछ एक इजी तो टर्म्स, कुछ एक टर्म्स तो बहुत इजी हैं, वो तो आप पढ़ा समझ जाएंगे, लेकिन कुछ एक में आपको मुश्किल होती है, तो चलो उसको देख लेते हैं। क्या करता हूं मैं, सबसे पहले डिस्कस करता हूं फेस। तो फेस क्या होगा, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन जो कि क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है एक डेफिनेट कैविटी इनसाइड द यूनिट सेल, ठीक है, विच इज फॉर्मिंग द यूनिट सेल, जो कि आपके पास बाउंड कर रहा है कैविटी इनसाइड, क्या कर रहा है, कैविटी बाउंड कर रहा है जो आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, उसी की बात क्या करूंगा मैं, उसको क्या कहूंगा, फेस। या आपके पास जो फेस है, जो आपके पास क्या है, एक क्रिस्टल को कवर कर रहा है, ठीक है, उसको भी क्या बोल सकता हूं मैं, फेस बोल सकता हूँ। आपके पास जो प्लेन है जो क्रिस्टल को कवर कर रहा है, जो यूनिट सेल को जो आपके पास प्लेन कवर कर रहा है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, फेस, ठीक है। तो ये 2-डायमेंशनल प्लेन है बेसिकली, क्या है आपके पास, 2-डायमेंशनल प्लेन बाउंडिंग द यूनिट सेल, ठीक है, जो कि यूनिट सेल को बाउंड कर रहा है उसको क्या बोलूंगा मैं, फेस बोलूंगा, ठीक है।
यहाँ स्ट्रक्चर में आपके पास मैंने बता दिया है ये चीज कि फेस क्या होता है, जो आपके पास टू डायमेंशनल प्लेन, देखिए टू डायमेंशनल प्लेन इकट्ठे किए मैंने बड़े सारे, तो आपके पास एक यूनिट सेल बन गया और तभी जाके आपके पास क्या हुआ, एक कैविटी उसके अंदर एनक्लोज हुई, तो आपके पास क्या बोल दिया मैंने उसको, फेस। अब एज की बात करते हैं, व्हाट इज एज, तो एज क्या होता है, एज जो है वो आपके पास इंटरसेक्शन, आपके इंटरसेक्शन लाइंस है, क्या है ये, इंटरसेक्शन लाइंस है बिटवीन द टू फेसेस। बेसिकली जब आपके फेस की बात करूं तो आपने देखा यहाँ पे जब मैंने फेस से एक कैविटी क्रिएट करी तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन लाइंस बनी, दो फेसेस एक दूसरे से कंबाइन करके तो क्या बन गई, वहां पे इंटरसेक्शन लाइंस बनी, और ये इंटरसेक्शन लाइंस ही हमें क्या कहती हैं, दीज आर एजेस, इसी को क्या कहते हैं हम, बेसिकली एजेस। तो देखिए आपके पास एजेस भी मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया आपको कि एज क्या होता है। थर्ड आपके पास मैं बात करूंगा जो आपके पास इंटरफेशियल एंगल्स हैं उसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं। तो इंटरफेशियल एंगल्स क्या होंगे, दीज आर द एंगल्स बिटवीन द इंटर, क्या होता है डिफरेंट ना, तो मतलब डिफरेंट है आपके पास जो फेसेस हैं जो आपके पास एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जहां पे जो आपके पास फेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है एट दैट जंक्शन, वो आपके पास जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्लेनर एंगल, ठीक है, या इंटरफेशियल एंगल बोलेंगे, ठीक है। इंटरफेशियल में इंटर क्या होता है डिफरेंट, फेशियल मतलब फेस, ठीक है, तो जो आपके पास डिफरेंट फेसेस के बीच में जो एंगल एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे हम इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। आपके पास मैंने यहां भी बता दिया ये आपके पास एंगल हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास एक टर्म दैट इज क्रिस्टल हैबिट, क्या है ये आपके पास टर्म, क्रिस्टल हैबिट। तो क्रिस्टल हैबिट क्या होती है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली द शेप, जो एक्सटर्नल शेप है ना किसी क्रिस्टल की, उसको हम क्रिस्टल हैबिट कहते हैं। हैबिट मतलब आपके पास क्रिस्टल जो है अपनी जो इसकी आदत है ना, जो हमेशा जो जिस फॉर्म में रहने की कोशिश करता है उसकी बात करता हूं मैं। तो क्रिस्टल हैबिट क्या हुई आपके पास, बेसिकली क्रिस्टल हैबिट मतलब आपके पास क्या हुआ, जो एक्सटर्नल शेप आपके पास एक क्रिस्टल पोजेस कर रहा है, कई बार आपके पास क्रिस्टल हो सकता है प्रिज्म की फॉर्म में हो, ठीक है, या आपके पास हो सकता है क्रिस्टल आपके पास ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में हो, या आपके पास हो सकता है इकोसाहेड्रल होता है, ठीक है आपके पास, तो ये आपके पास कुछ एक चीजें हैं, या टेट्राहेड्रल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये कि जो एक्सटर्नल शेप है आपके पास कोई क्रिस्टल पोजेस करता है, उस एक्सटर्नल शेप को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल हैबिट। बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं, तो जो आपके पास मिनरल्स की जब हम स्टडी करते हैं अलग अलग मिनरल्स, तो सबसे पहला काम हमें क्या होता है, क्रिस्टल हैबिट देखना कि बेसिकली उसकी क्रिस्टल हैबिट क्या है। अगर आपके पास क्रिस्टल हैबिट हमें पता है तो हम फटाफट लगा सकते हैं पता है कि आपके पास कौन सा क्रिस्टल है, जैसे कि कैल्साइट, आपने नोटिस किया होगा कैल्साइट बोलते हैं हम, ठीक है, एक मिनरल को, ठीक है, और आपके पास वहां पे उसकी जो स्ट्रक्चर है उसी को नाम हमने क्या रख दिया है, क्रिस्टल हैबिट का नेम ही क्या रख दिया है, कैल्साइट। तो वहां पे आप लगा सकते हैं पता कि अगर कैल्साइट टाइप का स्ट्रक्चर होगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, कैल्साइट। तो हम मिनरल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसके थ्रू, इस क्रिस्टल हैबिट के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्म, जो नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन जिसको मुझे डिफाइन करना है यहाँ पे, फॉर्म, एफ ओ आर एम। तो आपके पास फॉर्म की बात करूं मैं आपके पास, तो यहां पे फॉर्म क्या होगा, देखिए फॉर्म और जो अगली डेफिनेशन मैं आपके पास बताने वाला हूं, जोन्स, नेक्स्ट आपके पास एक ये डेफिनेशन फॉर्म और जोन्स, अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत मुश्किल होती है तो बच्चों को, ठीक है। लास्ट में मैं एक जोन एक्सेस डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लेना क्योंकि यही पे सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को समझने में होती है, ठीक है। देखिए क्या होता है फॉर्म, क्या होता है, सेट ऑफ सिमिलर फेसेस, सेट ऑफ सिमिलर फेसेस। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, जो इंटरफेशियल एंगल्स है ना उनको स्टडी करते हैं, जो आपके पास इंटरफेशियल एंगल मेजरमेंट जो करता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे गोनियोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, गोनियोमीटर कहते हैं, जब हम उसके थ्रू आप क्या करते हैं, इन इंटरफेशियल एंगल्स को स्टडी करते हैं, तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आती है कि किसी क्रिस्टल्स में बहुत सारे आपके पास क्या आते हैं, सेम जो आपके पास फेसेस टाइप के, सेम टाइप के फेसेस आते हैं, ठीक है, जिनकी अपीयरेंस सेम हो सकती है, सेम टाइप की हो सकते हैं, जिनकी डायमेंशन क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। अगर आपके पास ऐसे सेट है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस में जो कि सेम है, तो उन कलेक्शन, उन सेट्स को हम क्या कहूंगा, फॉर्म। तो आपके पास फॉर्म क्या हुई, दिस इज द सेट ऑफ सिमिलर फेसेस, क्या हो गया, ये सेट ऑफ सिमिलर फेसेस हैं किसी क्रिस्टल लैटिस में, उसी को हम क्या कहेंगे, फॉर्म कहेंगे। अब क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो आने वाला है, आपके पास मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर में आपको मैंने क्लियरली बताया है कि आपके पास सेट बता दिया है मैंने, तीन चार फेसेस का, देखो चार फेसेस का सेट बताया है, ये सेम आपके पास क्या है, अपीयरेंस है, डायमेंशन सब कुछ है, तो इसलिए अब आपके पास मैंने इसको क्या बोल दिया, फॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है,
इसके बाद जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूं दैट इज जोन। जोन क्या होता है? बेसिकली जोन इज द कैविटी, जोन इज द कैविटी। तो जोन क्या होगा, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। जोन समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, ठीक है, और समझाने में भी थोड़ा मुश्किल रहता है, इवन समझने में भी मुश्किल रहता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करता हूं मैं, आपको ऐसे बताता हूं, जो जब मैं फेसेस को एक्सटेंड करता हूं ना, क्या करता हूं, फेसेस को एक्सटेंड करता हूं, और उस एक्सटेंशन से आपके पास कुछ एक इंटरसेक्शन आती हैं, और उस इंटरसेक्शन से जो आपका स्पेस बनता है, जो आपके बाउंडिंग स्पेस आता है, उसको हम जोन कहते हैं। जो सेट ऑफ सेम फेसेस होते हैं, जब हम उनकी एक्सटेंशंस करते हैं, तो जिन जिन एक्सटेंशंस के थ्रू आपके पास क्या आ रही है, मीटिंग पॉइंट के थ्रू आपके पास जो बाउंडिंग जो स्पेस आ रहा है, उसी को हम, या बेल्ट जो आपके पास बन रही है, उसी को हम क्या कहते हैं एक्चुअल में, दैट इज आपके पास दैट इज जोन। जोन क्या हुई, जो बेल्ट बनी आपके पास, किसकी वजह से, जो फॉर्म की वजह से बेल्ट बनी। फॉर्म की वजह से बेल्ट मतलब, अब अगर नोटिस करेंगे तो आपके पास जो स्पेस, देखो आपके पास बन रहा है ना, स्पेस आपके पास बन रहा है, मतलब आपके पास पूरी कवर हो रही है, सिस्टम कवर हो रहा है, ठीक है। किसके थ्रू, जब मैं एक स्पेस को एक्सटेंड करूंगा, दूसरे को एक्सटेंड करूंगा, तो बीच में आपके पास एक्सटेंशन मैच करेंगे, मीट करेंगी, और मीट करने के बाद एक बेल्ट बनेगी, बेल्ट जो आपके पास एक स्पेस को कवर करेगी, हम उसको ही हम क्या करेंगे, उस जो कंप्लीट बेल्ट है उसको क्या कहेंगे, जोन कहेंगे। देखिए क्या करता हूं मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, यहां पे 3D में नहीं चलूंगा, 2D में नहीं चलूंगा, एक 3D की पिक्चर में यहाँ पे बता देता हूँ। हालांकि क्योंकि जो 3D की पिक्चर, जब मैं 2D से 3D में जाता हूँ, तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं बेटर है कि 2D में जाऊं, फिर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि क्या क्या है। मैंने देखिए आपके पास कुछ एक पॉइंट्स बता दिए, जो क्रिस्टल पॉइंट्स हैं वो वहां पे बता दिए हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, जो यूनिट सेल में आपके पास क्रिस्टल पॉइंट्स होते ही हैं, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बट क्या ऊपर से देख रहा हूँ क्रिस्टल को, मतलब 2D फॉर्म में मैं इसको देख रहा हूँ। अब क्या करता हूँ, इन 2D पॉइंट्स को क्या करता हूँ मैं, मैच करना शुरू करता हूँ, तो जिसकी वजह से आपके पास सिमिलर फेसेस आना शुरू होंगे। तो जब मैंने इनको एक्सटेंड किया पॉइंट्स को, तो आपके पास सिमिलर फेसेस बने, और इन फेसेस की वजह से आपके पास क्या बना, आपके पास एक कुछ एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्शंस बने, और इस इंटरसेक्शन से आपके पास एक बेल्ट बनी। बेल्ट मतलब आपके पास, मैंने कलर कर दिया, देखिए अब आपके पास इसको, जैसे मैंने इसको कलर किया, तो ये आपके पास क्या बन गई, जोन। क्या बन गई ये आपके पास, जोन। अगर मैं 3D में रिप्रेजेंट करूंगा, तो बेसिकली एक्चुअल में क्यूब ही बनेगा, बेसिकली यहां पे क्या बनेगा, क्यूब ही बनेगा, ठीक है। अब आपके पास यहां पे तो क्यूब बन गया जो बना, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे तो थोड़ी रुक सकता, क्योंकि सेट ऑफ फेसेस जो सिमिलर फेसेस है वो और भी तो हो सकते हैं। तो इसके बाहर देखो 4 पॉइंट्स और भी हैं, अगर मैं इनकी भी एक्सटेंशन इकट्ठा कर दूं, मैथ मिला दूं, तो भी आपके पास क्या बन रहा है, एक और स्पेस बन रहा है। तो मतलब जोन एक्सटेंड कर दी, अब आपके पास जो बाउंडिंग स्पेस है वो क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, जोन। अब मैं एक और पॉइंट, देखिए आपके पास सिमिलर फेसेस अभी यहां से भी बन सकते थे, तो इनको भी मैच कर दीजिए, देखिए इससे भी जोन एक्सटेंड कर दी। तो जोन को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दो पैटर्न आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है, जोन्स के लिए, ठीक है, जो मैंने अपने आप जो 2D में मैंने इसको बनाया है स्ट्रक्चरली, ठीक है। तो आपको अगर उनको देखेंगे तो ये थोड़ा सा, अगर 2D में ही इस हिसाब से इतना टिपिकल है बनाना, तो 3D में थोड़ा और मुश्किल हो जाता है बनाने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जोन जो है ये बेल्ट बनती है ना, जो आपके पास किसके पास सिमिलर फेसेस की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। और ये जो बेल्ट बनती है किसकी वजह से बनती है, सिमिलर फेसेस की, जो जब मैं एक्सटेंशन करता हूं, तो उसकी वजह से जो आपके पास मीटिंग पॉइंट होंगे, जहां पे वो मीट करेगा, उस मीटिंग की वजह से आपके पास एक जोन बनेगी, जो आपके पास बेल्ट बनेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। तो होप सो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, तो जोन क्या होती है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं जोन के बाद, ठीक है, कौन सा, दैट इज जोन एक्सिस। क्या करता हूं, जोन एक्सिस आपकी बुक्स में पता नहीं दिया है नहीं दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जोन एक्सिस क्या होती है। जब मैं मान लीजिए कोई क्रिस्टल लेता हूं, उसमें स्पेसिफिक जोन की बात करता हूं, तो अब आपके पास स्पेसिफिक जोन जो है वो होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाउंडिंग जो आपके पास बेल्ट बन गई, वो तो मैंने कंसिडर कर ली, तो उस बाउंडिंग बेल्ट से अगर मैं क्या करता हूं, एक एक्सिस पास करता हूं, और वो एक्सिस एक कंडीशन है उसके लिए, क्या कि जो एक्सिस है वो कौन सी होनी चाहिए, क्रिस्टल की एक्सिस होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्रिस्टल की एक्सिस, मतलब जो क्रिस्टल की एक्सिस से पास करे, और वो कंप्लीटली किससे पास कर रही है, जोन से पास कर रही है, और वो किसके पैरेलल है, किसी भी एज के पैरेलल है। जो आपके पास जोन में आपके पास क्या होते हैं, एजेस होते हैं, बेल्ट में आपके पास क्या बनेंगे, एजेस बनेंगे। अगर वो आपके पास एक्सिस जो है क्रिस्टल की एक्सिस है,
और वो किसके ठीक पैरेलल है, बट जोन के ठीक पैरेलल है, जोन के जो एजेस है उसके ठीक पैरेलल है, तो उसको मैं क्या कहता हूं यहाँ पे, जोन एक्सिस कहता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास जोन एक्सिस होगी। तो बोले का मतलब अगर मैंने देखो यहाँ पे बताया, उसका मतलब ठीक सेंटर में अगर मैं वहां पे एक पॉइंट मार्क कर देता तो वो क्या जानी थी, जोन एक्सिस। पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूँ 2D में, ठीक है। 3D में तो आपके पास देख सकते हैं, 2D में आपके सिर्फ पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जोन एक्सिस क्या हुई, जो आपके पास क्रिस्टल लैटिस की एक्सिस है बेसिकली, ठीक है, बट आपके पास जोन के थ्रू पास कर रही है, और वो क्या है, पैरेलल होनी चाहिए बस आपके पास क्या, किसी एज के, जो आपके पास जोन है, किसी जोन का जो एज है उसके ठीक पैरेलल होनी चाहिए बट, ठीक है। दिस दैट इज कॉल्ड एज जोन एक्सिस। तो ये आज के लिए था आपके लिए, जो कुछ एक टर्म्स थी वो आपको मैंने बता दी। अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा एक दो चीजें और मैं बता देता हूं। जब हम क्या करते हैं, सम ऑफ द फेसेस प्लस क्या, इंटरफेशियल एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू आपके पास एजेस प्लस टू, ठीक है। तो आपको अगर कभी बार फेसेस निकालने के लिए देते हैं और एक दो चीजें ये दे दी हैं आपके पास, जैसे कि इंटरफेशियल एंगल्स दे दिए हैं और आपके पास एजेस दिए हैं, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मतलब ये थोड़ा सा एक रिलेशनशिप है, थोड़ा सा मैंने आपको एक बात बता दी, ठीक है। तो होप सो आपको ये पता चल गया होगा, नहीं पता चला हो तो आपने बताना है, ठीक है। और कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर एक और लेक्चर बनाने की, ताकि और इजी हो जाए, और जोन के ऊपर तो कोशिश करूंगा कि एक इंग्लिश में लेक्चर बना दूं, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें क्लियर कर सके उसको कि जोन क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। आपको जो आपके पास वीडियो कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट, अगर समझ आया तो प्लीज ऑल्सो, अगर नहीं आया तो भी प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।